हेलो एवरीवन, कुकिंग वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। मैं हूं डोना। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूं आलू से बनने वाली एक बहुत ही आसान सी चाउमीन की रेसिपी। ये बंगाली घरों में अक्सर ही बनते हैं। बहुत ही इजी रेसिपी है और इसे बनाने के लिए आपको कुछ मसाले की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब वीडियो एंड तक देखिए और मुझे कमेंट पर बताइए आपको कैसा लगा। और इसे आप ब्रेकफास्ट में, इवनिंग स्नैक्स में या बच्चों के लंच बॉक्स में आसानी से दे सकते हैं और ये बहुत हेल्दी भी होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आसान सी चाउमीन बनाना। तो इसके लिए मैं पहले चाउमीन को बॉयल करूँगी। तो इसके लिए मैंने एक पतीले में ले लिया है 3 कप पानी और उसमें मैं डालूँगी 1 टेबलस्पून नमक और अभी पानी को मैं बॉयल होने दूँगी। ये देखिए पानी में उबाल आ गया है। अभी इसमें मैं ऐड कर दूँगी चाउमीन। ये 1 पैकेट चाउमीन है, 200 ग्राम का ये पैकेट है। ये नॉर्मल कोई भी आपको ग्रोसरी शॉप में मिल जाएगा, कोई ब्रांडेड वाला नहीं है, लोकल ब्रांड का ही चाउमीन है। तो इसे मैं एक चम्मच से थोड़ा डिप कर रही हूँ और इसे हमें ज़्यादा बॉयल नहीं करना है, जस्ट 2 से 3 मिनट तक ही हमें इसे उबालना है। और ज़्यादा बॉयल हो जाएगा चाउमीन तो ये जब हम लोग इसे फ्राई करेंगे तब ये एकदम खिचड़ी जैसा बन जाएगा। तो हमें खिचड़ी नहीं बनानी है, हमें चाउमीन बनाना है, इसलिए एकदम खिला खिला चाउमीन चाहिए। ये आप देख सकते हैं ये एकदम सॉफ्ट हो गया है। इस टाइम में मैं एक छलनी में इसे स्ट्रेन करूँगी और ठंडे पानी से इसे वॉश कर लूँगी। ये आप देख सकते हैं मैंने ठंडे पानी से चाउमीन को वॉश कर लिया है। अभी इसमें मैं ऐड करूँगी 1/2 टीस्पून तेल और इस तेल को मैं चाउमीन में अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और ये करने से चाउमीन एक के साथ एक नहीं चिपकेगा, एकदम खिला खिला चाउमीन बनेगा। अभी कढ़ाई में मैंने ले लिया है 1 टीस्पून तेल और यहाँ मैंने एक बाउल में लिया है 2 अंडे और अंडे ऑप्शनल है। अगर आपको अंडे नहीं खाना है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। मैं 1/2 टीस्पून नमक के साथ अंडे को अच्छी तरह से फेंट लिया है। अभी इसका मैं भुर्जी बनाऊंगी और जो लोग अंडे नहीं खाते वो भी आसानी से इसे बिना अंडे का बना सकते हैं। ये देखिए मेरा एक भुर्जी एकदम रेडी है। 2 से 3 मिनट ही लगती है एक भुर्जी बनाने के लिए। इसे मैं अभी एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। अभी उसी सेम कढ़ाई में मैं ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून तेल। अभी इसमें मैं ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून मूंगफली। मूंगफली भी यहाँ पे ऑप्शनल है लेकिन ये देने से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसे हमें फ्राई करना है और जब आपको लगे कि इसका स्किन थोड़ा अलग अलग हो रहा है तभी ये मूँगफली एकदम फ्राई हो गया है। ये देखिए मैं इसे अभी निकाल लेती हूँ उसी अंडे वाला प्लेट में और सेम तेल में मैं ऐड करूँगी 1 कटा हुआ प्याज। इसको मैंने बारीक स्लाइस कर लिया है और यहाँ मैंने ले लिया है 2 आलू पतले पतले स्लाइस में कटा हुआ और 1 हरी मिर्च। और हरी मिर्च आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो अभी कढ़ाई में मैंने पहले दे दिया है प्याज और हरी मिर्च। इसे मैं 2 मिनट तक फ्राई करूँगी, ज़्यादा फ्राई नहीं करना है हमें, जस्ट 2 मिनट ही हमें इसे फ्राई करना है। ये देखिए प्याज हमारा फ्राई हो गया है। अभी इसमें मैं ऐड करूँगी कटा हुआ आलू। आलू को मैंने लंबे लंबे स्लाइस में काटा है, थोड़ा सा मिक्स करूँगी मैं इसे। फिर अभी मैं इसमें ऐड कर दूँगी 1 कटा हुआ गाजर। गाजर को भी मैंने आलू जैसा ही लंबे लंबे स्लाइस में कट कर लिया है। और आप इसमें बहुत सारे सब्जियाँ ऐड कर सकते हैं, फूलगोभी, मटर, बीन्स, कुछ भी सब्जी आपको जो पसंद है वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मिक्स करके मैं अभी इसमें ऐड कर दूँगी नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कीजिए और आपको ध्यान रखना है नूडल्स जब हमने बॉयल किया था उसमें भी हमने नमक डाला था। अभी तब तक हमें इसे फ्राई करना है जब तक आलू और गाजर अच्छी तरह से बॉयल ना हो जाए। ये देखिए आलू और गाजर अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं, बॉयल भी हो गए हैं। अभी इसमें मैंने ऐड कर दिया है बॉयल किया हुआ चाउमीन। अभी इन सबको हमें थोड़ा सा फ्राई करना है अच्छी तरह से मिक्स करके और इसमें हम कोई भी मसाला ऐड नहीं करेंगे, जस्ट नमक के साथ ही हम इसको बनाएंगे, इसलिए ये बहुत ही हेल्दी है। और इस टाइम में हम इसमें ऐड कर देंगे जो एक भुर्जी हमने बनाया था वो और फ्राई किया हुआ मूँगफली। मिक्स करके अब इसको 2 से 3 मिनट तक हमें लगातार चलाते हुए फ्राई करना है। ये देखिए इस तरीके से हमें लगातार चलाते हुए इसको फ्राई करना है और आप देख सकते हैं कितना खिला खिला चाउमीन बना है हमारा। इसे आप ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं, इवनिंग स्नैक्स में खा सकते हैं या बच्चों का लंच बॉक्स में भी आप इसे दे सकते हैं। बहुत ही हेल्दी होता है और इसे आप अपना पसंदीदा सब्जी के साथ भी बना सकते हैं। तो हो गया ये हमारा आलू वाला चाउमीन एकदम रेडी। आप ज़रूर ये रेसिपी ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट पे बताइए आपको कैसा लगा। वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। फिर मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।